हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से MCM मास्टर क्राफ्ट्समैन का जॉब प्रोफाइल रेलवे में कैसा होता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। आजकल में MCM को जो है सीनियर टेक्नीशियन के नाम से भी जाना जाता है। तो MCM का वर्क प्रोफाइल जो है इस प्रकार से होता है, जो भी सीनियर टेक्नीशियन 4200 ग्रेड पे में चले जाते हैं तो उनको जो है MCM पोस्ट के नाम से जाना जाता है या सीनियर टेक्नीशियन के नाम से। तो वर्किंग जो है जैसा रहता है टेक्नीशियन का उसी प्रकार से चलता रहता है। जैसे आप वेल्डर हैं तो वेल्डिंग ही करना पड़ेगा, इस प्रकार ब्लैक स्मिथ है तो ब्लैक स्मिथ का ही काम करना पड़ेगा। अगर TRD में है तो TRD का जो OHE का जो ओवरहेड इक्विपमेंट वायर होता है उसका मेंटेनेंस करना रहता है। इसके अलावा जैसे PSI का है तो उसमें भी जो है आपका जो वर्किंग होता है वही रहेगा। TRD में TRD का ही सब डिपार्टमेंट है PSI। तो इसके अलावा जैसे CNW जो होता है कैरेज एंड वैगन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो उसमें भी जो है जो आपका सीनियर टेक्नीशियन का जो काम होता है वही आपको करना पड़ेगा। वर्क वगैरह चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपका ग्रेड पे जो है 4200 ग्रेड पे हो जाएगा। जो आप पहले से कार्य करते रहेंगे वही कार्य आपको करना रहेगा, सिर्फ पोस्ट में जो है तब्दीली आएगी और दूसरा एक्चुअली ग्रेड पे जो है आपका बढ़ जाएगा। और जो टेक्नीशियन जो पहले करवा कहलाते होंगे तो सीनियर टेक्नीशियन आप कहलाएंगे। तो ये सब रहता है एक्चुअली। वर्कलोड वगैरह भी थोड़ा कम हो जाता है जैसे। तो ओवरऑल जो है जॉब काफ़ी बढ़िया है, अगर आपको मौका मिलता है ज़रूर आप ज्वाइन करें। धन्यवाद।